हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एके व्लॉग। गाइस के साथ सभी लोग, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। गाइस मैं ही बढ़िया ही हूँ। गाइस आज आप लोगों के लिए मैं काफ़ी शानदार कार लेके आया हूँ भाई। ये है अपनी होंडाई वेन्यू। भाई होंडाई वेन्यू का भी कौन सा मॉडल है, तो गाइस ये है होंडाई वेन्यू का जो है बेस्ट मॉडल, यानी कि ई मॉडल आपको मैं अभी होंडाई वेन्यू का दिखा रहा हूँ 2023 में। अभी गाइस इसमें बहुत प्यारी चीज़ चेंज आई है, अभी आप जब देखोगे ना आपको मज़ा आ जाएगा भाई। इतनी अच्छी चीज़ चेंज आई है। ये ई मॉडल है, ई मॉडल में ओनली फॉर आपको पेट्रोल का ऑप्शन मिलता है, डीजल का ऑप्शन नहीं मिलेगा। डीजल का ऑप्शन आपको एस मॉडल से मिलेगा। तो भाई पहले जो गाड़ी की मैं आपको वॉक अराउंड करके दिखाता हूँ भाई कैसी दिख रही गाड़ी। रश के लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन फिर भी आप वीडियो देखो। ये देखिए गाइस साइड से कुछ इस तरीके लग रही है। आह काले टायर मस्त लग रही भाई। आइए साइड से देख लीजिए, ऊपर से भी कुछ इस तरीके लग रही है। इस साइड से देखो, बैक साइड देखो भाई, बैक साइड देखो भाई, बैक साइड से भी कुछ इस तरीके की लगती है। रियर से भी कुछ इस तरीके की लगती है भाई देखने पर। होंडा वेन्यू ई मॉडल अभी आप देख रहे हो 2023 में, पेट्रोल में देख रहे हो इसका बेस्ट मॉडल पेट्रोल। सो ये दिखा दिया मैंने कि कैसी लगती है भाई। अब फटाफट से वीडियो जो इसके फ्रंट से शुरू करते हैं। फ्रंट में आपको जो है ना काफ़ी शानदार ग्रिल आपको इसमें देखने को मिल जाती है, और ये टॉप मॉडल की ग्रिल आपको इसमें देखने को मिलती है। लगता नहीं है कि भाई बेस्ट मॉडल है। आप इसमें ना मस्त जो है वो क्या बोलते हैं, थोड़ी सी वो करवा लो, मॉडिफिकेशन करवा लो बाहर से आफ्टर मार्केट, भाई लगेगा नहीं कि बेस्ट मॉडल। देखो जरा इसका कंप्लीट फ्रंट लुक, बिल्कुल नहीं लग रहा भाई बेस्ट मॉडल है। बस लाइटें चेंज करवा लो भाई, लगेगा टॉप मॉडल बन जाएगा भाई आराम से। भाई ग्रिल इन लोगों ने जो है टॉप मॉडल जैसे ही दिए, सेम होंडाई का लोगो यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पर अपना जो है इंडिकेटर्स हैलोजन में आपको देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर जो है बल्ब आपको जो है इसमें देखने को मिल जाता है। प्रोजेक्टर में नहीं है, हैलोजन है ये पूरे। तो इनका थ्रो भी गाइस बहुत घटिया है, लोग कह रहे हैं कि भाई बहुत घटिया इनका थ्रो है, देख सकते हो आप। आपको ये चेंज करवा सकते हो इसमें, इसका बेस्ट मॉडल अगर आप लेते हो तो। नीचे की तरफ आपको सिल्वर फिनिश की स्कीड ब्लेड मिल जाती है, और 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको जो है इसके अंदर देखने को मिल जाता है। तो भाई साइड से भी कुछ इस तरीके की लगती है होंडाई वेन्यू। आइए भाई ओआरएम की बात करें, तो ओआरएम मैट और ब्लैक आपको इसमें देखने को मिलता है। इस ओआरएम को ना तो आप इलेक्ट्रिक एडजस्ट कर सकते हो, ना ही इलेक्ट्रिक फोल्ड कर सकते हो, सब कुछ मैनुअल ही होगा। और यहाँ पर जो गाइस है ना, अगर ओआरएम पे जो इंडिकेटर देते तो ज़्यादा अच्छा लगता, बेस्ट मॉडल की पहचान यहाँ से हो जाएगी भाई। और यहाँ पर आपको फेंडर पर इंडिकेटर देखने को मिलेगा। साइड से कुछ इस तरीके की लगती है होंडाई वेन्यू, काफ़ी लंबी लगती है देखने पर। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, रिक्वेस्ट सेंसर ऊपर इतर ना, रूफ रेल कुछ भी नहीं मिलेगा, और माइक्रो वाला एंटीना आपको जो है जिसमें देखने को मिल जाएगा। साइड से भाई कुछ इस तरीके की लगती है, और यहाँ तो कुछ भी नहीं, बहुत क्लासिक है भाई गाड़ी। और हाँ भाई टायर की बात करें, इसके अंदर आपको स्टाइल व्हील्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर स्टील व्हील्स है गाइस ये, और प्लास्टिक व्हीकल्स के साथ ही आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ये जो है ना कहीं अलग अलग नहीं है, पर इन लोग पहले क्या आते थे कहीं सिल्वर कलर के आते थे, लेकिन अब इन लोगों ने हुंडई वालों ने इसको काला कर दिया, जिसकी वजह से अच्छे लगते हैं देखने में। आगे की तरफ जो है आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा, और पीछे की तरफ आपको ड्रम देखने को मिलेगा, और यहाँ पर भी एक डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाती है ब्लैक कलर की, और स्कीड ब्लेड साइड की जो ब्लैक आती है इसकी, ये तो बेस्ट मॉडल है इसलिए। इसके अंदर गाइस आपको जो है, अब मैं आपको बूट बता दूँ, 350 liter का बूट स्पेस आपको इसमें देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी सही है। यहाँ पर कोई लाइट नहीं, और यहाँ पर हुक भी नहीं दिया हुआ भाई, कुछ तो दो। यहाँ पर स्टेपनी व्हील आपको देखने को मिलेगा 15 इंची का। इसकी प्रोफाइल किधर गई, ये रही, एक कम आपको इसमें देखने को मिलेगा। कोई इसमें जो है पीछे पार्सल ट्रे नहीं आती, ना ही आपको जो है टेल लैंप इसमें जो है हेलोजिन में पूरे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर इंडिकेटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, और पूरी हेलोजिन है भाई, ये जुड़ते उड़ते नहीं है, ये सिर्फ SX मॉडल से आपको देखने को मिलेंगे। वेन्यू पीछे लिखा हुआ आपको जो है मिल जाएगा, दो पार्किंग सेंसर, कैमरा भी नहीं आता। इसकी ब्लेड सिल्वर वाली मिल जाएगी, देख सकते हो अच्छी लगती है देखने पर। रिफ्लेक्टर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और साइड से भाई कुछ इस तरीके लगती है। और यहाँ पर जो है आपको चौकोर इसमें फ्यूल टैंक का जो आपको देखने को मिलता है, फ्यूल टैंक का ओपन उसका टैंक आपको इसमें गोल दिखने को मिलेगा, नहीं चौकोर मिलेगा। आइए भाई पीछे से बात करें, पीछे के दरवाजे की कुछ इतना वाइड खुलता है, और इसके अंदर आपको यहाँ पर सिल्वर फिनिश की डिज़ाइन मिल जाती है डोर अनलॉक करने की। और भाई ये सबसे बुरी चीज़ है, ये क्या है भाई, ये तो वेन में आता है, ये वेन वाली चीज़ आपको इसमें देखने को मिलेगी। मैनुअल आपको जो है कांच अपने हाथ से ऊपर करने पड़ेंगे। यहाँ पर कोई स्पोक टच नहीं है, स्पीकर भी नहीं है, और बॉटल होल्डर भी नहीं है। और गाइस 2023 में सबसे प्यारी चीज़ चेंज करी है इसके अंदर होंडाई वेन्यू ई में, ई पेट्रोल। अब इसके अंदर भाई एक स्टेप पीछे वाली सीट भी आपको इसमें देखने को मिल गई है, वो भी भाई बेस्ट मॉडल से आ रही है भाई, कितनी अच्छी चीज़ें देखो।
और इसमें तीन हेडरेस्ट आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। देखो ऊपर ही ऊपर होते हैं ये तीनों, एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे और एक स्टेप पीठ पीछे वाली सीट आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। और गाइस 2023 के अप्रैल में एक और चीज़ चेंज हुई यहाँ पर, जो है आपको यहाँ पर तीसरा जो है तीसरी रो में भी जो बीच में बैठेगा उसके लिए भी सीट बेल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये भी चीज़ भाई इसमें आ गई, एक दो और ये तीन, तीन आपको जो पीछे देखने को मिलेंगे, एड्रेस भी मिल जाएंगे। आर्मरेस्ट ने दिया है, बाकी सीट जो है ना काफ़ी सही दे दी इन्होंने। एक स्टेप पीछे वाली सीट आपको जो इसमें देखने को मिल जाएगी जो दो जो काफ़ी ज़्यादा सही है भाई। और पीछे का रियर स्पेस भी काफ़ी सही है, थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर जो है आपको स्पेस में भी कोई कमी नहीं आने वाली। मैक्सिमम मॉडल आपको जो है इधर मिल जाएगा, इधर नहीं आएगा। और आगे से जो है गाइस बाबू दिखाता हूँ किस तरीके की लगती है, एक मिनट ज़रा मैं दिखाता हूँ। तो भाई आगे का जो लुक है कुछ इस तरीके का इसमें देखने को लगता है, होंडा वेन्यू ई 2023। तो भाई कुछ इस तरीके की लगती है देखने पर। और ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको जो है हैलोजन में एक लाइट मिल जाती है, केबिन लाइट ओ बी ए की, फिक्स ग्रेब हैंडल आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। और भाई पीछे एसी भी है, एसी नहीं है गाइस, पीछे पीछे एसी आपको नहीं मिलेगी, देनी चाहिए वैसे यार, एसी नहीं देनी चाहिए यार, ठीक है। अब चलते हैं भाई आगे, आगे का डोर आपको जो दिखा दूँ मैं, इतना वाइड खुलता है भाई। और आगे ना मतलब आपको वॉल्यूम यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा, दो मतलब पैसेंजर और ड्राइवर की जो आपको जो है सीट आपको मतलब आपको जो मिरर है वो आप इलेक्ट्रिक एडजस्ट कर सकते हो इनको, देखो ऊपर या नीचे कर सकते हो आराम से। पावर वाले दे रखे हैं वो भी आगे वालों के लिए, पीछे वालों के लिए तो बेकार है, कुछ भी नहीं है। सिल्वर फिनिश की डिज़ाइन में डोर अनलॉक करने को मिलेगा, यहाँ पर कोई सॉफ्ट टच नहीं, कोई स्पीकर नहीं, सिर्फ बोतल होल्डर और यहाँ पर मैनुअल ओआरईएम को जो एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर भी कुछ नहीं मिलेगा, हेडलैम्प के लीवर ऊपर नीचे कर सकते हो। आइए चाबी की बात करें तो उसमें एक्टिवा वाली चाबी आपको देखने को मिलती है, काफ़ी अजीब है, इनको जो है सेंटर लॉकिंग की देनी चाहिए इसमें, ये क्या है इतनी अजीब सी। दोनों ही आपको ऐसी मिलेगी, अभी भाई मैंने गाड़ी में लगा रखी। सीट की बात करें, सीट आपको जो है सिर्फ अपनी जो स्ट्रेच है वो आप कर सकते हो, सीधा या लेटा सकते हो आप, बाकी आपको जो है ऊपर या नीचे नहीं कर सकते। और यहाँ से जो है अपना फ्यूल टैंक खोल सकते हो, यहाँ से अपना बोनट ओपन कर सकते हो। आइए अब अंदर चलते हैं। भाई ये है होंडाई वेन्यू ई मॉडल 2023 में, अभी कुछ इस तरीके लगता है इसका इंटीरियर अंदर से देखने के ऊपर, कितना अजीब अजीब ही लग रहा है भाई देखने के ऊपर। और भाई इसके अंदर आपको जो है चार एयरबैग इसमें आपको देखने को मिलेंगे, एक दो और सीटों में लगे हुए हैं तीन, और इस वाली सीट में चार, चार एयरबैग भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और गर्मी काफ़ी तेज़ है तो मैंने एसी चला रखी है, चार एयरबैग आपको इसमें देखने को मिलेंगे। साथ ही में भाई यहाँ पर आपको पूरा गोल्ड स्टीयरिंग इसमें देखने को मिलेगा, और यहाँ पर कुछ भी कंट्रोल नहीं मिलेंगे, यहाँ पर जो है MID के कंट्रोल आपको देखने को मिल जाएंगे, यहाँ से अपने वाइपर्स के कंट्रोल और यहाँ पर अपने हेडलैम्प्स के कंट्रोल आपको देखने को मिलते हैं, जो सभी मैनुअल है भाई, इसमें कुछ भी नहीं आता। यहाँ की बात करें तो भाई ये तो खाली है, यहाँ पर जो है आप अपना फ़ोन रख सकते हो, नकली सी स्पेस दे रखी है, पर आप आफ्टर मार्केट लगवा जरूर सकते हो। मैनुअल ऐसी आपको यहाँ देखने को मिल जाती है, 12 वाट का सॉकेट, यहाँ पर फास्ट चार्जिंग का पॉट, और नीचे कुछ भी नहीं मिलता है यहाँ पर भी। और भाई इसमें आता है कुछ इस तरीके का गियर बॉक्स, क्योंकि भाई पेट्रोल है, पेट्रोल में आपको काला ही मिलेगा, डीजल में आपको 6 स्पीड में आता है और वो सिल्वर फिनिश की डिज़ाइन में आएगा, यहाँ पर भी सिल्वर फिनिश की डिज़ाइन मिलेगी, हालांकि ई मॉडल में नहीं है वो, ऊपर वाले वेरिएंट से। यहाँ पर दो अपहोल्डर, यहाँ पर अपना हैंड ब्रेक, आर्मरेस्ट गायब है, आर्मरेस्ट देना चाहिए गाइस, बहुत बुरा लग रहा है बिना आर्मरेस्ट के। और यहाँ पर आपको जो ब्लैक कलर की डिज़ाइन मिलेगी, बेसिक फीचर जो है आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर भाई ग्लव बॉक्स आपको इसमें कूल वूल कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ पर स्पेस मिल जाएगी रखने के लिए। और भाई कुछ इस तरीके की लगती है। MID इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो भाई ई मॉडल में भी आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा, जो काफ़ी सही है भाई। और यहाँ से एक मिनट इसके फीचर्स बता दूँ, ड्राइव इन्फॉर्मेशन, काफ़ी सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हो, एक मिनट बस गाइस, इतनी ही चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगी, टायर प्रेशर वगैरह इसमें नहीं आता, बस इतना ही आपको जो है इसमें देखने को मिलेगा। और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है आपको बेस मॉडल में मिलेगा, बस अंदर से मॉडिफिकेशन करवा दो तो भाई बन सकता है टॉप मॉडल भाई, आपको बस ऐसी चीज़ आपको इसमें देखने को मिलेगी, काफ़ी क्लासिक है भाई, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है ई मॉडल में, बस भाई पीछे की चीज़ें बहुत, इन लोगों ने जो सीट चेंज करी वो काफ़ी सही लगी मुझे। इस स्टेयरिंग को आप टिल्ट कर सकते हो, टेलीस्कोपिक तो दूर दूर तक नहीं है। और भाई नीचे उन्होंने बता दिया, ये मैनुअल के पैडल, क्लच, ब्रेक और एक्सेलेटर। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको IRVM डे नाइट वाला IRVM आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको जो है पत्थर मिलेगा भाई, इधर देखो कितना पत्थर है ये,
इसमें आपको जो है कुछ भी नहीं मिलेगा, मिरर वगैरह इधर आपको जरूर। अरे इधर भी गेटर दिया गया, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं गाइस। और यहाँ पर फिक्स ग्रे वेंडल मिल जाएगा। तो देख लिया आपने भाई, कुछ इस तरीके की लग रही है हुंडई वेन्यू ई मॉडल। और भाई यहाँ पे 1000 लाइट का स्विच, कुछ भी नहीं गाइस, बेसिक फीचर आपको जो इसमें देखने को मिलेंगे। सो गाइस कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि गाइस आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो गाइस प्लीज़ भाई को लाइक करें और भाई चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे से आगे शेयर भी कर दें, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो जो है ले लेके आता हूँ। तो गाइस ऐसे ही मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।